गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी विषय पर स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में लेसन 4 कुछ पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। रहा मसूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए नीचे आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। इस तरह से ये मसूद है, जो हामिद का दोस्त है, वो मेला में सिपाही खरीदता है। जब वो घर आता है तो उसको एक टोकरी में रखता है और टोकरी को उठाकर द्वार का चक्कर लगाने लगता है। उसके दोनों छोटे भाई जो हैं वो सिपाही के जैसे आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो। इतने में महमूद जो है वो ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके जो खिलौने हैं वो भी टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही आई और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से ले आया? मैंने मोल लिया है। मोल लिया है मतलब खरीद लिया है। इस तरह से सारे बच्चों के खिलौने जो हों वो टूट जाते हैं। अब हामिद का हाल सुने कहता है, हामिद वो जैसे ही अपने घर घुसा, उसकी दादी जो है वो अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही आई और उससे गोद में बड़े प्यार से उठाती है और उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, यह चिमटा कहाँ से आया? तब हामिद बोलता है कि मैंने इसे खरीद लिया है। फिर दादी बोलती है, कितने पैसे में? फिर हामिद जवाब देता है, 3 पैसे में। यह सुनकर अमीना को क्रोध आया। 2 पहर हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, तुम 3 पैसे थे उसका भी यह चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। जब वो बच्चा अपनी दादी को बतलाता है कि मैंने इसे खरीद लिया है, इसको मैंने 3 पैसे में खरीद लिया है, तब यह सुनकर उसकी दादी को क्रोध आता है और वो बोलती है, गुस्से से बोलती है कि दोपहर हो गए, ना तुमने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, 3 पैसे थे उसका भी तुमने इसे चिमटा उठा लाया। तब आमिद ये बच्चा जो है वो अपराधी भाव से मतलब गुस्से भाव से वो बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। यह सुनते ही अमीना का क्रोध काफूर हो गया मतलब गुस्सा खत्म हो गया। बच्चे में कितना त्याग है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी का इतना ध्यान रहा। यह सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी, दामन उठाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आँखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। इस तरह से
आमित को गुस्सा आता है कि इसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, उसका भी इसने कुछ खाया पिया नहीं और मेरे लिए सिर्फ चिमटा लेकर चला आया। कितना त्याग है इस बच्चे में, ऐसा वो सोचती है कि सारे बच्चे मेले में खिलौने खरीदें, अपने मनपसंद की चीज़ें खाएं। इसे देखकर, इन सबको देखकर इस बच्चे को भी कितना मन किया होगा, लेकिन इसने वो सब को त्याग कर उसने मेरी परवाह की और मेरे लिए चिमटा खरीद कर लाया। ऐसा सोचकर बुढ़िया दादी जो है वो रो उठती है और दामन उठाकर अपने पोते हामिद को दुआएं देती है और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। और उधर आमिर वो अपनी दादी की गोद में प्यार से दुबकता जा रहा था। इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त होती है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों आप सभी इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।